में ये गाना गाना तो देखिए भैया बहुत गलत है। हम पुरजोर विरोध करते हैं और हम ही नहीं सारे भोजपुरी जगत के सारे कलाकार एक स्वर में इसका विरोध करते हैं। गाना नहीं गाना चाहिए। हम कलाकारों से भी ये कहना चाहेंगे कि आपके किसी का बहन बेटी का नाम नहीं गाना है। जिस तरफ हवा चले उस तरफ चलना चाहिए। जो लोगों को पसंद आ रहा है वही परोसा जाएगा। ये तो हमारे दर्शकों का प्यार है, भोजपुरी के भगवान स्वरूपी श्रोता समाज का और दर्शक समाज का प्यार है कि हम लोगों को इतना प्यार दुलार आशीर्वाद देते हैं। अभी जस्ट गाना रिलीज हुआ, आप लोगों का ये उत्साह देख के लग रहा है क्योंकि भाई आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं या तो मीडिया से हैं या फिर इन्फ्लुएंसर हैं हमारे रील्स के, तो सब लोग कम से कम लाखों में एक तो होंगे। 1 लाख में एक लोग मीडिया से भी आते हैं, 1 लाख में एक लोग कलाकार भी होते हैं। जब लाखों में एक लोग इतने सारे लोगों को इतना पसंद आया गाना तो हमारी जो करोड़ों की जनता है उन्हें तो पसंद आएगी, ये मेरा विश्वास है। ट्रेंडिंग टॉपिक से क्यों भैया? क्या भाई? ट्रेंडिंग टॉपिक से क्यों? ट्रेंडिंग वाला जो टॉपिक गाना चल रहा है ट्रेंडिंग से ऊपर ही क्यों गाना ओड लोड के किया गया? देखिए जिस तरफ हवा चले उस तरफ चलना चाहिए और समय के अनुसार परिवर्तित होते रहना चाहिए। जो लोगों को पसंद आ रहा है वही परोसा जाएगा ना, तो इसलिए हम लोग सोचे कि दर्शकों का मनोरंजन इस प्रकार से किया है। भाई जैसे मैंने कहा कि ट्रेंडिंग जो टॉपिक्स होते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप लोगों के बीच में बहुत सारे गाने आते हैं जो ट्रेंडिंग टॉपिक से बाहर होते हैं, वो लोग भी आप सुनते हैं। जो ट्रेंडिंग पे गाने आते हैं वो भी आप सुनते हैं। तो हमारा ये कोशिश रहता है कि सब तरीके से सब प्रकार का मनोरंजन का साधन अपने पब्लिक के बीच में दिया जाए। उसी का ये एक भी उदाहरण है जो ये पत्रिक मरिया को आया है। भोजपुरी में लगातार जिस तरीके से नाम लेके या जातिवाद को लेके या जिस तरीके के गाने निकल रहे हैं उस पर आप क्या संदेश देना चाहिए? नाम लेके गाना गाना तो देखिए भैया बहुत गलत है। नाम लेके अगर कोई गाना गा रहा है, देखिए नाम लेके गाना गाने का भी एक रीजन होता है। जैसे किसी फिल्म में हीरोइन का नाम, कोई पर्टिकुलर हीरोइन का नाम मान लीजिए माइक है, माइक हो गया हीरोइन का नाम, तो उस फिल्म में आप माइक का नाम लेके गा सकते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे किसी का भी नाम लेके गा देना ये बहुत गलत है, इसका आप विरोध करते हैं। हम गुनगुनाएं सब जब कौन का आय है हाय है बोल बजा कि पता दिखता मरिया तो बहुत बढ़िया भाई, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद है। और सबसे पहले विजय भैया थैंक्स लॉट, इतना बेहतर गाना गाने के लिए। निशा पांडे थैंक यू सो मच फॉर बढ़िया एक्टिंग करने के लिए। साथ ही साथ आप सभी जो हमारे मीडिया कर्मी हैं, हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उन सभी लोगों का धन्यवाद। आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके हमारे पास आए और ये इंटरव्यू को कवर कर रहे हैं, देश तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। थैंक्स लॉट हमारे भोजपुरी के दर्शक जिन्हें मैं हमेशा से बोलती थी कि जो दर्शक है आदिशक्ति फिल्म के लिए भगवान है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि उन जो भगवान है उनका कर्ज कभी भी आदिशक्ति फिल्म नहीं उतार सकती और हम लोग कोशिश करते हैं कि कैसे उनके लिए हम एक बेहतर से बेहतर चीज बनाए और उसी कड़ी में हितेश भैया के द्वारा ये एक सुपरहिट गाना गाया गया है। अनीशा जी आपसे सवाल होगा, हितेश पांडे के साथ आप गोली चला रहे हो, धाई धाई चला रहे हो, एक एक करके पूछिए तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरे पास सब कुछ अनीशा जी गोली चला रहे हो, अखियों से भी आप बंदूक से भी आप मीडिया में कम आते हो, जवाब दो।
क्यों पहले कम क्यों रहते हैं आप मीडिया काम के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं आप बोलिए काम से ही बढ़ते हैं आप सबका प्यार चाहिए और ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहे आप सभी ताकि मैं और आगे बढ़ूं और मधुबनी समाज का नाम रोशन रितेश भैया कितनी गोली चलने वाली है यूपी बिहार में अनिशा पांडे भी इस तरीके से हाथ मारेंगे तो गोली की तो बहुत हार गोली तो चलने ही वाली है और गोली चल ही रही है लहंगा लखनऊआ के बाद आदि शक्ति से काफी गेप हो गया था आपका गाना फिलहाल लगातार गाने आ रहे हैं इसको लेकर क्या कहेंगे क्या वजह पूछ रहे हैं जी हमारा काम है गाना कंपनी का काम है गवाना इसका क्या वजह है हमारा काम है पब्लिक का मनोरंजन करना आपने भगवान जरूर दर्शक और श्रोता समाज का तो जैसे सहयोग बनता है वैसे वैसे गाने आते हैं आगे बहुत सारे गाने वेब कंपनी से और सारे कमा से तो सारी कंपनियों से गाने आ रहे हैं ये सहयोग बना कि वन बाई वन लोगों का दो गाना आ गया और भी लगातार बहुत सारे गाने रिकॉर्ड हो गए जो आएंगे आप लोगों के बीच में खेसारी लाल यादव की बेटी पे गाना गाया गया है और इनका फोटो पर साहित्य लगा के गाना बनाया गया है इसको लेके क्या कहेंगे खेसारी लाल यादव की बेटी का फोटो लगा के गाना बनाया गया है इसको लेके क्या कहेंगे इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और हम ही नहीं सारे भोजपुरी जगत के सारे कलाकार एक स्वर में इसका विरोध करते हैं किसी कलाकार की बहन बेटी का नाम लेके गाना नहीं गाना चाहिए हाँ और कलाकारों से भी ये कहना चाहेंगे कि आप भी किसी का बहन बेटी का नाम नहीं गाना है।